प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको घातांक से संबंधित एक प्रश्न हल कर दिखला रहे हैं। आज का प्रश्न है 8^2 + 8^4 + 2^4 * 9^2 + 9^2 + 9^2 * 3^2 * 3^2 + 3^2 और इसके आगे बराबर और ये प्रश्नवाचक निशान लगा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये मालूम करना है इस पूरे व्यंजक को सॉल्व करने के बाद आपको क्या हल प्राप्त होगा। तो वैसे तो इस प्रश्न को हल करने की बहुत सी विधियाँ हैं और वह विधि सरल है जिससे आपको आसानी रहे, जो आपको आती हो, चाहे भले ही उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा खर्च हो जाए। समय कम खर्च करने के लिए आपको दूसरी विधि सीखनी पड़ेगी या आपको अपने आप निकालनी पड़ेगी। और विधि अगर मान लीजिए दूसरी आपने निकाली और उसमें भी समय खर्च ज़्यादा होता है तो फिर आपकी पहले वाली विधि ही सही है। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इसको मन में थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो x ये लिखे हुए हैं, x ये लिखे हुए हैं, तो तीन जगह x लिखी हो प्लस प्लस में तो 3x हो जाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा अंश में प्राप्त हो जाएगा 3 * 8^2 और ये लिखा है 2^4, ये लिखा है 2^4, ये एक सी राशियां हैं। इसे अगर आप मन में a मान लें तो ये 2a हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 * 2^4 * ये आ गया। अब इसी प्रकार से अगर आप इसे बाई मान लें तो एक बाई ये लिखा हुआ है, आपको 3 बाई प्राप्त हो गया और बाई का मान आपने माना था 9^2, तो आपको प्राप्त हो गया 3 * 9^2। क्लियर? अब इसी प्रकार से ये 3^2 लिखा हुआ है। इस 3^2 को आप मन में अगर p मान लें तो आपको प्राप्त होगा इसका जोड़ 3p, और p का मान कितना माना था आपने 3^2, तो आपको प्राप्त हो गया 3 * 3^2। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? और जैसे कि आप जानते हैं ये 8^2 को हम लिख सकते हैं 2^3 / 2, और जैसा कि ये नियम है x^a / b लिखा हो तो इसकी इन दोनों पावरों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस नियम के आधार पर ये प्राप्त हो जाएगा 2^3 * 2 = 2^6। तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम 2^3 और 6, और ये 3 पैसे के वैसा आ जाएगा। और देखिए 2^1 ये है और 2^5 = 4 ये है। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो ये आ जाएगा 2^5 * अब देखिए 3^2 तो ये है और 9 को लिख सकते हैं हम 3^2 / 2, और इस नियम के हिसाब से ये हो जाएगा 3^4, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम 3^4। अब जैसा कि आप जानते हैं गुणा में पावर जुड़ती हैं और भाग में पावर घटती हैं, तो यहाँ पर अगर बेस बराबर हो तब, तो यहाँ पर ये बेस बराबर है तो इसको लिख जाएगा हमारा 3^4 - 2, तो 3^2 तो हमारा ये आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें बेस बराबर है, यहाँ पावर 5 है और यहाँ पावर 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा 2^6 - 5 = 2, तो 3 ये आ गया, 2 इसको सिंप्लीफाई करके आ गया, 3^2 ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो इनका मल्टीप्लाई तो आपका 6 हो जाएगा 3 और 2 का, और 3 * 3 ही आ जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपका 54 आंसर आ गया। क्लियर? तो आपको ये प्रश्न हमने एक विधि से हल करके दिखाया। अब इसकी हम दूसरी विधि आपको बतला रहे हैं जो आपको सरल लगेगा सही है। ठीक, देखिए 8^2 लिखा हुआ है ये, इसका मतलब 8 × 8, तो 64 ये लिखे हैं। आप लिख लीजिए 3 × 64 / 2 × 4 × 8 × 16 ये लिखे हैं, 16 ये लिखे हैं, तो आप लिख लीजिए 2 × 16 × ये लिखा है 9^2 का मतलब 9 × 9
बराबर 81, तो 81 ये लिखे हैं, 81 ये लिखे, 81 ये लिखे हैं, तो तीन जगह लिखे हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 × 81 आ जाएगा। और ये लिखा है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 ये लिखे हैं, 9 ये लिखे हैं, 9 ये लिखे हैं तीन स्थान पर, तो ये आ जाएगा 3 × 9। इस 3 से 3 काट दीजिए आप, ये 16 से काट दीजिए, 16 × 64, और 2 से काट दीजिए 2, ये आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 6, और इससे काट दीजिए 9 × 81, 9 ये आ गया, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 6 = 54 उत्तर। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक प्रश्न को हल करने की बहुत सी विधियां होती हैं, कभी कभी तो हमें ये देखना पड़ता है किस चैप्टर के अंतर्गत हम ये प्रश्न कर रहे हैं, तो उन नियमों को सीखने के लिए हमें उन्हीं नियमों के आधार पर करना चाहिए जो नियम उस चैप्टर से संबंधित हैं। और कभी कभी हमारा उद्देश्य होता है केवल प्रश्न को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर आप कोई सा भी नियम लगा सकते हैं, क्योंकि आपको नियम तो आते ही हैं, तो इसलिए मैंने आपको 2 विधि बतलाई, और आप स्वयं विचार कीजिए, एक प्रश्न को हल करने की विधि नहीं होती है, कोई विधि बतलाता है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विधियां हैं, और विधि वो आपको सरल है जो आपको सरल प्रतीत हो। किसी भी विषय को सीखने के लिए उस विषय के फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूं, अब मेरा परामर्श है कि आप कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर करिए, जिससे कि आपको प्रश्न हल करने में काफी सुविधा मिलेगी। आज की बात खत्म करता हूं, धन्यवाद।